चीनच्या भारतावर सतत चालणाऱ्या कुरघोडीचा सर्व स्तरातून निषेध केला जातोय. पुण्यातील भारत तिब्बत सहयोग मंच महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी बैठकच्या वतीनं चिनी ड्रॅगन के विरुद्ध संघर्ष या विषयावरती प्रमुख मार्गदर्शक इंद्रेश कुमारजी यांनी मार्गदर्शन केलं. इंद्रेश कुमार हे संरक्षक भारत तिब्बत सहयोग मंच आणि सदस्य केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख आहेत. चीन आणि भारताचे संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. चीनच्या अतिक्रमणाचा निषेध देशभर व्यक्त होतोय. अनेक ठिकाणी आंदोलनं आणि चीन विरोधात घोषणाबाजीचा सूर निघतोय. पुण्यात चिनी ड्रॅगन के विरुद्ध संघर्ष असा कार्यक्रम पार पडलाय. महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत आज चिनी वस्तूंवर बहिष्काराचा ठराव मांडण्यात आला. यावेळी चीनचा सामना कसा करावा याविषयी जोरदार मंथन करण्यात आलं. चीनचा प्रश्न भारताच्या अस्मितेला घातक आहे, त्यामुळे पुण्यात चीनी वस्तू न स्वीकारण्याचा संकल्प या बैठकीमध्ये करण्यात आला. यावेळी इंद्रेश कुमारजी यांनी अनेक विषयांवर मार्गदर्शन केलं. भारत तिब्बत सहयोग मंच हिमालय की सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आजादी का एक आंदोलन. पिछले अनेकों वर्षों से चीन भारत के लिए, हिमालय के लिए, एशिया के लिए और विश्व के लिए एक खतरे की आवाज़ बन रहा है. देश की जनता ने भी एक लाइन पकड़ ली और भारत तिब्बत सहयोग मंच ने, अन्य अनेक एनजीओज ने मिलकर करोड़ों करोड़ लोगों में इस बात को जगाया है. इस देश के 126 करोड़ लोग किसी भी धर्म के, जाति के, दल के, भाषा के और परंपरा के हैं. वो अपने नित्य की पूजा में से, चाहे चर्च जाता है, चाहे मस्जिद दरगाह जाता है, चाहे मंदिर गोम्फा जाता है, चाहे जैन स्थान में जाता है, आश्रम जाता है, वह चीनी माल को निकाल दे और हिंदुस्तानी, भारतीय, स्वदेशी माल से अपनी नित्य की पूजा करे. दूसरी बात ये कही है कि हर जाति धर्म अपना एक बड़ा त्यौहार, वो ईद हो सकती है, क्रिसमस हो सकती है, वो रक्षाबंधन है, दीपावली है, गुरु पूर्णिमा है या गुरु पर्व है, या वो बुद्ध जयंती है, अंबेडकर जयंती है, या किसी संतों की, श्रेष्ठ की, तुकाराम एकनाथ की, समर्थ रामदास की, ज्ञानेश्वर की जयंती है, मीरा रसखान की है, किसी भी तरह की है, अपने एक बड़े पवित्र त्यौहार को चीनी माल से मुक्त करके हिंदुस्तानी माल से युक्त करें. जो 3.5 करोड़ भारतीय हैं जिनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं, सिर छुपाने के लिए छत नहीं, उनका माल इस्तेमाल करें ताकि उनकी भी गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और अशिक्षा दूर की जा सके. चीन से बढ़ते खतरे और उसका सस्ता माल, खूबसूरत माल, हमारी स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान, संस्कृति पर कितना खतरनाक आक्रमण है, ये ना पता होने के कारण वो इसको कर रहा है. और इसलिए जैसे जैसे उसके पास इस बात को पहुंचाएंगे, तो सस्ते फोन से वो निकलकर इस देश के स्वाभिमान के लिए जीने वाला बनेगा. यही नौजवान हैं जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और कहीं तिलक के रूप में, कहीं लाला लाजपत राय के रूप में, कहीं बालकृष्ण गोखले के रूप में, कहीं सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के के रूप में कुर्बानियों का इतिहास भी लिखा. केवल उनके पास जो अज्ञान अंधकार है वो उसको अगर प्यार से ठीक समझाएंगे तो यही युवक ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी बनाने में लग जाएगा जो चीन से सस्ते होंगे और सुंदर होंगे, और यही रोजगार देने वाला भी बन जाएगा, और यही धर्म, संस्कृति, देश, समाज का रक्षक भी बन जाएगा, गरीब का सहारा भी बन जाएगा. मुझे लगता है कि देश के राजनेताओं ने, समाज सुधारकों ने, धार्मिक नेताओं ने, बुद्धिजीवी नेताओं ने, प्रेस के साथ मिलकर, प्रेस ने इनके साथ मिलकर एक नए भारत का नया जन जागरण, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस समस्या से निकल पाएंगे. या कार्यक्रमाला पुणे शहरातील प्रतिथयश उद्योजक आणि नागरिक उपस्थित होते. चीनी बनावटीची एकही गणपतीची मूर्ती स्वीकारली जाणार नाही असा संकल्प यावेळी करण्यात आला. चीनी वस्तूंना नाकारून आपण चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर घाला घालू शकतो आणि त्यातून आपण आपल्या देशाविषयीचं प्रेम व्यक्त करू शकतो, त्यामुळे चीनच्या वस्तूंना नाकारण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. आज या कार्यक्रमासाठी इंद्रेश कुमारजी
इथं आले आणि अनेक विषयावर मार्गदर्शन केलं. चीनचा माल पळवा आणि विदेशातल्या देशांचा रोजगार वाचवा अशी स्लोगन यांच्या कार्यक्रमाची होऊ शकते. आजचा हा कार्यक्रम झाला, अनेक उद्योजक या ठिकाणी आले तर त्यांनी स्वतःसुद्धा संकल्प केला आहे की यावर्षी गणपतीची एकही मूर्ती चिनीची येऊ देणार नाही, आली तर घेणार नाही आणि घेणाराला योग्य आशयाचं मार्गदर्शन आम्ही सगळे करूया, जनजागृती करणार आहोत असा हा संकल्प या कार्यक्रमातून घेतोय आम्ही सगळे. इंद्रेश कुमारजींच्या प्रेरणेने आम्ही सावरकर जयंतीला चीनचा माल जाळला. माझं याच्यावरती असं म्हणणं आहे की चीनचा माल घेणार नाही आणि जर चीननी माल आम्हाला विकला त्याचे पैसे पण देणार नाही आम्ही, त्यामुळे चीननी सावध राहावं आणि आम्हाला माल विकू नये. जय हिंद. प्रतिनिधी पियुष बागडे, जीवन न्यूज पुणे मेट्रो महानगराची लाईफ लाईन, पुणे.